जब दाऊद ने परमेश्वर की सेवा की तो उसका वंश ब्लेस था, अब्राहम ने की उसका वंश। सेवा डायरेक्ट लिंक्ड है आपके बेस्ट फ्यूचर के साथ। अपने फ्यूचर का बेस्ट वर्जन देखना चाहते हो तो सेवा में चले जाओ, बाकी आपकी मर्जी। मैं तो दो दिन के लिए आता हूं, समझा के चला जाता हूं, बाकी काम तो आपका है। हालेलुया। अपनी लाइफ का बेस्ट वर्जन देखना चाहते हो, 100 times फ्रूट देखना चाहते हो, लाइफ बिना फ्रस्ट्रेशन के, बिना शर्मिंदगी के, बिना शेम के गुजारना चाहते हो, सेवा के साथ जुड़ जाओ। परमेश्वर ने कहा संसार से तुम्हें कलेश होता है, उसने तो कहा है साफ, तुम भी तो भाग रहे हो संसार के पीछे, पर डाडस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। आप जीसस में लाइफ व्यतीत करेंगे, आप जीत लेंगे सारा कुछ। जो ट्रबल है आज वो कल नहीं होगा, जो मुश्किल आज है वो कल नहीं होगी। बेटर के बाद आप बेटर होते रहेंगे। धर्मी की ज्योति उस सूर्य के नहीं जिसका प्रकाश दोपहर तक परफेक्ट होता जाता है, धर्मी उस तरह परफेक्ट होता जाएगा। एवरी ईयर आप परफेक्ट हो। जय मसीह की दोस्तों, जैसे कि परमेश्वर के दास अंकन रूला जी ने हमें बताया कि अगर हमने अपनी ज़िंदगी में दुख, कष्ट और क्लेश और शर्मिंदगी से मुक्ति पानी है तो हमें परमेश्वर के कामों में अपने मन को लगाना चाहिए। हमें परमेश्वर के घर की सेवा करनी चाहिए, हमें परमेश्वर के दासों की सेवा करनी चाहिए, हमें विधवा, यतीम और बेसहारों की सेवा करनी चाहिए। मैं परमेश्वर के वचन कुछ आपके सामने रखने जा रहा हूँ, इन वचनों को अपनी ज़िंदगी में पूरा कीजिए। परमेश्वर आपको हर कष्ट, दुख और क्लेश और शर्मिंदगी से बाहर निकालेगा। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। जो कंगाल की दुहाई पर कान न दे, वह आप पुकारेगा और उसकी सुनी न जाएगी। क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा, यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा, और वह पृथ्वी पर धन्य होगा। तू उसको शत्रुओं की इच्छा पर न छोड़। मैं मौन धारण कर गूंगा बन गया और भलाई की ओर से भी चुप्पी साधे रहा, और मेरी पीड़ा बढ़ गई, और क्लेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा, पहले यहूदी पर फिर यूनानी पर। परंतु महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है, पहले यहूदी को फिर यूनानी को।